देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल स्थित प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर का है, जहां स्कूल में सीट पर बस्ता रखने को लेकर छात्र छात्राओं के बीच मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया। बच्चों की शिकायत पर स्कूल पहुंचकर दोनों पक्षों में जमकर संग्राम हुआ। मारपीट से लेकर जूते चप्पल डंडे तक चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। स्कूल में बवाल के दौरान शिक्षक असहाय नजर आए। दोनों पक्षों के तमाम परिजन मारपीट के दौरान घायल हुए हैं। छात्र छात्राओं के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने अधिकारियों को घटना से अवगत कराया है। प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर की प्रधान अध्यापिका के अधिवक्ता पति आरिफ रिजवी और पीड़ित परिजनों के बीच मामले को लेकर नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली है। मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित अभिभावकों और बच्चों ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मैनपुरी से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। अच्छा, क्या घटना हो गई जो आप अस्पताल आई हैं? बच्चों को मारो स्कूल में सर, बच्चे ने किया कि मम्मी स्कूल में झगड़ा हो गया। फिर हम वहाँ पर गए बच्चों को लेने के लिए, तो जे खड़े थे दस प्रभाव वाले तैयार मारने के लिए। तो हम अपने बच्चों को बाहर निकाल के ले आ रहे थे, जिनने बच्चों को मारो हम भी मारो। क्या पहचानती उन लोगों को? हाँ, उन्हें पहचानते थे। कौन लोग थे? एक लड़की है और एक उसका भाई है, नाम नहीं जानते हैं सर। लीलावती, आप विद्यालय में क्या करती हैं? खाना बनाते हैं। अच्छा, कितने दिनों से खाना बनाने का काम कर रही हैं? खाना कम से कम नहीं 15-16 साल से बना रही। अच्छा, आज आपके यहाँ विवाद किस बात को लेकर हुआ इस विद्यालय में? मतलब आज बस वो हम आए, झाड़ू लगाया, हमारे गांव के बच्चे आए, उसने चटाई बिछा के अपने बस्ते रख दिए। सीताराम नगरा के बच्चे आए, उनके बस्ते उठा फेंक दिए। इसमें बच्चे मारपीट करने लगे, हमने ये समझी आप उसमें से करे, हमने हल्ला डटका दो, बंद हो गई। फिर मैं खाना बना के खवा के घर पहुँच पाई, इनमें मार कुटाई हुई, हमें कुछ पता नहीं। इतना आपके सामने वारदात हुई? इतनी हमारे सामने बात। अच्छा, फिर क्या सुना कि कितने कितने जो कहाँ के लोग आए थे? बिटिया हमारी नातनी पढ़ाते, वो गई मम्मी स्कूल पे जाओ, नगरा के आ गए, सब लोग मारपीट कर रहे, भोला की तब वहाँ तब मज के आया, तब इन मारपीट कर चुके थे। ठीक, सरस्वती। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? ये चोटें लगी है, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था? मैं यहाँ पे, मेरा भतीजा पढ़ता है, तो बच्चों में झगड़ा हो गया। दूसरे गांव के बच्चे थे, वो अपने माँ बाप को बुला लाए, तो उसके माँ बाप उसको मार रहे थे, हमारे भतीजे को। तो हमारे पास तो कोई सूचना भी नहीं थी। तो जब और स्कूल, मेरे गांव के और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो हमारे घर पे गए, तो उन्होंने बोला बुआ आपके भतीजे को वो नगरा वाले ना मार रहे हैं। तो मैं यहाँ अकेली आई, मैंने सोचा बच्चों का मैटर है, तो मैं अकेली चली आई। तो यहाँ देखा कि वो लोग लात घूसों से पीट पीट रह गए। एक भतीजा हमारा छोटा सा 8-10 साल का था, तो मैंने पढ़ता वो 8-10 साल का, 5 में पढ़ता है। तो हम आए, तो मैंने बोला इसको कि हमारे बात तो बताओ, बात क्या हुई है। तो वो लोग उसे छोड़ गए, हमें भी लग गए। मेरे गांव का एक लड़का आया, उसने बचाया, पहले तो मारा, तो ये लगा है पहले, तो गली में मार रहे, तो मैंने हाथ लगा दिया, हाथ में लग गया। फिर मैंने उनके हाथ में एक कील जैसा था, सरिया थी, टैड़ी थी, वो पता नहीं क्या था उसका, पाना जैसा। तो फिर मैंने हाथ पहले मारा, तो मैंने हाथ ले लिया, गर्दन तक नहीं पहुंचा। तो एक उनके साथ एक लेडीज थी, उसने मुझे ऐसे दबा लिया दीवार में, उसके साथ एक आदमी था, उसने वो पाने से ऐसे दबा लिया गर्दन मेरा। तो मेरे गांव का एक लड़का निकला, आवाज गई थी, तो उसी ने फिर बचाया। बच्चे पढ़ने गएंगे, हमारे बच्चों को डर के बंद करके मारो, या करो बैठर भाई लिया आएंगे। अब बहू जो मेरे बच्चा को खाना माए, और जो मैं फूल पड़ी हो, और वो गई बच्चन को जब बचाए, तब जिन्हें मई डर का 10 परिवार और करना। किसने मारा है, नाम क्या है, क्या वारदात हुई थी? वे रसोई आई, उनने जा रहा, हमने चटाई जाकर बैठ गए, वो आए, वो लोग झूला टाकर फेंक दिया और मारने लगे। कौन लोग थे? अंशुल थे, कपिल देव और दीपू बादल प्रभु। ये क्या, ये छात्र हैं? अच्छा, तो साथ ही पढ़ते थे, तो क्या तुम्हारा झोला उठा के फेंक दिया था? फिर क्या हुआ? वो लोग मारने लगे मुझको। फिर सर ये यहाँ पर आए, डंडे गए, फिर ये अपने गांव को बुला ले आए थे। तो काफी लोग आ गए थे? हाँ, मेरे लोग आ गए थे।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।